है इस वर्ष योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि अमृत योजना की घोषणा 2015 में की गई थी और उसको फेज बाय फेज विभाजित किया गया। किस तरह से इस योजना को पूरा किया जा रहा है और इससे क्या फायदे सामने आएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। गंगा को निर्मल करने के लिए चलाई जा रही अमृत योजना के तहत प्रथम चरण में मिर्जापुर को पुनर्गठन जल योजना और मिर्जापुर में घरों में कनेक्शन कार के लिए चयनित किया गया था। द्वितीय चरण में पुनर्गठन जल योजना में कुछ पार्ट जो बच गए थे उसे चयनित किया गया। तीसरे चरण में मिर्जापुर सीवरेज योजना का चयन किया गया। सीवरेज योजना को दो भागों में बांटा गया, एक मिर्जापुर और एक विंध्याचल। विंध्याचल का पहले चरण में ही गठन हो गया था जबकि मिर्जापुर का द्वितीय चरण में हुआ है। मिर्जापुर के सीवरेज की जो लागत है वह 287 करोड़ की है। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, कार्य जल्द शुरू होने वाला है। 203 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क से पूरे मिर्जापुर को जोड़ा जाएगा। जो भी घरों से गंदा पानी या गंदा पानी निकल रहा है उसे ट्रीट करके गंगा नदी में छोड़ा जाएगा ताकि गंगा की स्वच्छता बने रहे। इस कार्य को पूरा करने के लिए 24 महीने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में मिर्जापुर पुनर्गठन पेयजल योजना और मिर्जापुर में हाउस कनेक्शन के कार्य के लिए चयनित किया गया था। दूसरे चरण में ही मिर्जापुर पुनर्गठन पेयजल योजना का कुछ पार्ट जो बच गया था उसको चयनित किया गया और तीसरे चरण में मिर्जापुर सीवरेज योजना का चयन किया गया था। इसी के पैरेलल में ही मिर्जापुर सीवरेज योजना को दो भागों में बांटा गया, एक मिर्जापुर और एक विंध्याचल। तो विंध्याचल का चयन पहले चरण में ही हो गया था जबकि मिर्जापुर का चयन द्वितीय चरण में हुआ है। मिर्जापुर सीवरेज योजना की जो अनुमानित लागत है, मतलब स्वीकृत लागत कह लीजिए, 287 करोड़ की है, जिसकी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उस पर जल्द ही कार्य शुरुआत होने वाला है। दूसरा है मिर्जापुर की पेयजल योजना। हर घर जो कि 32,315 है, नल से पानी सप्लाई करना है, इसका अलग प्रोजेक्ट है। यहाँ से पानी को ट्रीटमेंट करके पूरी मिर्जापुर को सप्लाई किया जाएगा। वर्तमान में 41 MLD की डिमांड है, 2050 में 55 MLD की डिमांड होगी। उसके सापेक्ष 60 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है। इसे शुद्ध करके हर घर को जल पहुंचाने के लिए 210 किलोमीटर पाइप नेटवर्क का प्रावधान किया गया है। ये अमृत जल योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे शहर में आगे भविष्य में पानी की परेशानी ना हो, जल स्तर सुधार रहे और घर घर पानी, स्वच्छ पानी पहुंचे, ये योजना के तहत मिर्जापुर में ये काम किया जा रहा है। क्या क्या किया जा रहा है? ये टंकियां बनाई जा रही है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है और जिसे हर घर में स्वच्छ पानी मिले बहुत फायदेमंद रहेगा कि जल ही जीवन है और जीने के लिए जल की आवश्यकता है, इसलिए ये सरकार की अच्छी योजना मानी जा रही है। फाइनली हम 2021 के दिसंबर में ही हम पूरा करेंगे क्योंकि जो ट्रीटमेंट प्लांट हमारा है उसकी प्रोग्रेस अभी 35% के आसपास है, तो उसे पूर्ण होने में लगभग अभी 12 महीने का समय और लगेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिसंबर 2021 में से पूर्ण। नगरीय क्षेत्र की जो डिमांड है 135 LPCD, एक व्यक्ति को 135 लीटर वाटर की डिमांड होती है एक दिन में, तो मिर्जापुर की जो जितनी भी आबादी है उसमें 135 लीटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इतने वाटर पर डे के हिसाब से इनको दिया जाएगा और वो वाटर बिल्कुल प्योर होगा। उसमें प्यूरिफिकेशन की हर वो व्यवस्था होगी, जैसे स्टार्टिंग से के लास्ट चरण तक, जैसे क्लोरिनेशन लास्ट स्टेज। अमृत योजना के अंतर्गत कराए जा रहे इस कार्य को दिसंबर 2021 तक पूरा करना है। कुछ काम तो 2021 के पहले हो जाएंगे जो पहले ट्यूबवेल लगे हुए हैं। अधिशासी अधिकारी के माने तो 35% काम पूरा हो चुका है। अब देखना यह है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर पानी की आवश्यकता होती है तो क्या उसे इस योजना के जरिए पूरा किया जा सकेगा। मिर्जापुर से के न्यूज़ इंडिया के लिए मनीष रावत की रिपोर्ट।